बढ़ते आगे बड़ी खबर है। कश्मीर में आतंकी नहीं आ रहे नापाक हरकतों से बाज। बारामूला में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकी ढेर किए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो जवान भी घायल हुए। बारामूला में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर किया। इस दौरान दो जवान भी घायल हुए। सुरक्षा बल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं आतंकी। कश्मीर बारामूला से ये तस्वीरें भी है, जहां बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जहां दो आतंकी ढेर किए, वहीं मुठभेड़ में सुरक्षा बल के दो जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। अपनी नापाक हरकतों से ये बाज नहीं आ रहे हैं। और कश्मीर से सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, बेहद अहम है, जहां बार बार चेताने के बाद भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे, और यही वजह है कि आज भी आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। पूरे अपडेट चाहेंगे आपसे। शविता, कल शाम जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हदीपोरा सोपोर इलाके में, जो कि नॉर्थ कश्मीर एलओसी यानी उड़ी सेक्टर में पड़ता है, इस इलाके में तलाशी के चंद मिलिटेंट घूम रहे हैं, जिसके बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल्स ने मिलिटेंटों को इंटरसेप्ट करने के बाद उन्हें सरेंडर करने की पेशकश की, जो एक बार फिर मिलिटेंट ने ठुकरा दिया। उसके बाद दोनों मिलिटेंट जो है अभी कुछ देर पहले जो है उन्हें मारा गिराया जा चुका है, जबकि सुरक्षा बल इसमें से जिनकी तादाद दो बताई जाती है वो जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है वो स्टेबल है। लेकिन इलाके में अगर आपको याद होगा कि ईद के ही दिन जब नॉर्थ कश्मीर के इसी एरिया से 60 किलोमीटर दूर बांडीपोरा के आरगाम इलाके में फॉरेस्ट एरिया में, वहां पर भी मिलिटेंटों के साथ झड़प हुई थी, जिसमें लोकल मिलिटेंट उमर अकबर जो है पटन बारामूला से का ताल्लुक है, 4 साल से एक्टिव था, वो मारा गया। उसमें भी वहां पर एक बड़े हथियार और गोला बारूद जब्त किए गए। कुल मिलाकर इन इलाकों से जब आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये इलाका किसी वक्त मिलिटेंसी में सरगर्म था। प्रतिपाला जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐलान किया कि ये मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट होगा पुलिस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। लेकिन एक बार फिर 2024 जून के महीने में बांडीपोरा और बारामूला, ये जो दोनों डेड बॉडीज की तस्वीरें हम तक पहुंच चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट ये इंडिया है कि इस इलाके में भी वीर पंचाल और चनाब वैली की तरह जम्मू प्रोविंस के दो इलाके उसी तरह पे जो है मिलिटेंसी दोबारा सर उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सुरक्षा बलों की बरवकत कार्रवाई से क्या पता इनको प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रोग्राम कल से कश्मीर आने का है, सुरक्षा व्यवस्था को और तेज कर दिया गया है, और इनका क्या प्रोग्राम होगा क्या हदीपोरा के आसपास के इलाके में, क्योंकि कल जो मिलिटेंट मारा गया था बांडीपोरा, उसमें जो आर्मी ने प्रेस रिलीज जारी की पुलिस के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि इनका काम जो था वो मिलिटेंटों को रिक्रूट करना था, मिलिटेंटों को इन्वेस्टिगेट करना था ताकि वो सियासतदानों के खिलाफ भी बंदों का इस्तेमाल कर सकें। कुल मिलाकर सुविधा एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल इसे मानते हैं, और हदीपोरा, सोपोर, बारामूला में इस वक्त दो मिलिटेंटों की डेड बॉडीज मिलने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो लास्ट स्टेज में है, और आइडेंटिफिकेशन में पता चलेगा आया ये लोकल मिलिटेंट है या नॉन लोकल है, और किस तरफ से आए थे और कितने टाइम से एक्टिव थे। जो भी हो, इस इलाके में एक बार फिर मिलिटेंसी दोबारा रिवाइवल फेज में दिख रही है, लेकिन सुरक्षा बल भी अपनी जगह पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दोबारा बोला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां सुरक्षा बल के दो जवान घायल हुए हैं, लेकिन इस दौरान दो आतंकियों को ढेर किया हमारे जवानों ने।